नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की। दोस्तों तीन दिग्गज कंपनियों के बारे में, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एंड एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस। दोस्तों यहाँ पे इनसाइड एंड ट्रेडिंग के न्यूज है, कुछ टाइप हुए थे उसका इम्पैक्ट आया है तो वो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, और ब्रोकरेज के टारगेट क्या है वो भी दोस्तों डिस्कस करेंगे, और चार्ट के ऊपर कौन सा स्टॉक अभी बेहतरीन लेवल है जो आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों तो पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आप देखोगे कि एक दिन का अगर मूव देखोगे तो अपर सर्किट में क्लोज हुआ है दोस्तों 20% का अप है, और अगर 5 दिन का मूव देखते हो दोस्तों तो पैसा डबल हो चुका है दोस्तों 8 दिन के अंदर ही। उसके पीछे का रीज़न क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो मैंने वीडियो बनाया था ये इसी वीक में कि कार्ले का जो इफेक्ट है, और आदित्यपुरी जो HDFC बैंक के चेयरमैन MD रह चुके थे, उन्होंने PNB हाउसिंग फाइनेंस में वहाँ पे उनका जो और पैसा है वो स्टेक लिया है उन्होंने, तो उसकी वजह से दोस्तों स्टॉक में ऑलमोस्ट 8 दिन में डबल हो गया पैसा। अब क्या इम्पोर्टेंट लेवल है उसके ऊपर दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो ये डेली चार्ट है दोस्तों, क्योंकि वीकली चार्ट में आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों वीकली चार्ट में कितना बड़ा मूव आया है दोस्तों। तब देखोगे कि यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की थी जो पहले ही हो चुकी थी क्लियर, बट जब मैंने डिस्कस किया था वीडियो में तब अराउंड ये लेवल था, और ये लेवल को भी स्टॉक ने पार कर दिया, और फिर अभी के जो करंट लेवल है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ की है और उसी के आसपास स्टॉक चल रहा है दोस्तों। वहीं पे उसने सपोर्ट भी लिया है जब लॉक खुला था तब उसका अपर सर्किट का, और जो बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों तो वो अराउंड 1000 रुपीज़ के आसपास आएगा। बट दोस्तों जो न्यूज़ है उसका इम्पैक्ट बहुत ही बढ़िया आया, स्टॉक का प्राइस डबल हो चुका है, और PNB ग्रुप में न्यूज़ पे न्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये स्टॉक में अच्छा मूवमेंट हमें मिल रहा है। अगर वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं हम दोस्तों, तो वीकली चार्ट के ऊपर देख लीजिए कि वीकली चार्ट में कितना बड़ा कैंडल बना है दोस्तों। एक ही वीक में बहुत ही बेहतरीन कैंडल बना है दोस्तों, और अगर आप बात करेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम की तो वॉल्यूम भी बेहतरीन हमें दिख रहा है दोस्तों। अब हम सीधा चलते हैं दोस्तों दूसरे स्टॉक के ऊपर, वो है इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। दोस्तों इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में दोस्तों ब्रेकआउट आया हुआ है दोस्तों, और ब्रेकआउट इस लेवल पे आया है जो मैं अपने चैनल पे बार बार आपको बता रहा था दोस्तों कि अगर ये लेवल टूटेगा तो स्टॉक में तेजी बनेगी दोस्तों। और हमने बहुत नीचे के लेवल से यहाँ पे जब ट्रेंड चेंज हुआ था और न्यूज़ आया था तब से हम यहाँ पे बने हुए हैं दोस्तों, और अभी इसमें इनसाइड ट्रेडिंग की भी बातें हैं तो मैं आपको वो सारा बता देता हूँ दोस्तों। आप देखोगे 5 दिन में काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया, एक दिन का अगर हम चार्ट देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन 15% का अपर आया है दोस्तों। तो अभी जो न्यूज़ था कि जहाँ से हमने यहाँ पे एंट्री लेना स्टार्ट किया था दोस्तों, तो वो था HDFC इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का डील था। तो वो जो डील हुआ वो डील में बहुत ही बेहतरीन दोस्तों HDFC ग्रुप का नाम आ गया, और उसकी वजह से मैंने इस स्टॉक को रेकमेंड करना स्टार्ट किया था, क्योंकि पहले 251 का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लेवल था दोस्तों, तो वहाँ पे हमें कुछ मिल नहीं रहा था। तो अभी मैं इसको डेली चार्ट के ऊपर ले लेता हूँ। आप देखोगे कि जब ये न्यूज़ आया था दोस्तों अप्रैल में, तब ये आप ट्रेंड लाइन देखा वहाँ पे ट्रेंड लाइन तोड़ दिया था स्टॉक ने, तो हम यहाँ से एंटर हो चुके थे, और स्टॉक फिर बेहतरीन मूवमेंट दे दिया, और तब भी मैंने बोला था कि 251 का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। उसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल था दोस्तों, रेजिस्टेंस जो था वो लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था दोस्तों, स्टॉक बहुत ही बार रिस्पेक्ट किया है और मल्टीपल टाइम का डेली ब्रेकआउट आया है दोस्तों। तो ये स्टॉक में आप 250 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आगे रणनीति बना सकते हैं दोस्तों, और इसमें और इनसाइडर ट्रेडिंग का भी न्यूज़ है दोस्तों, तो मैं वो न्यूज़ भी आपको बता देता हूँ कि जो प्रमोटर ग्रुप है उन्होंने तारीख 27 मई को दोस्तों एक्वाइजेशन किया और डिस्पोजल किया। तो आप देखोगे कि सेम क्वांटिटी एक्वाइजेशन की है और सेम क्वांटिटी डिस्पोजेबल हुई है, तो यानी कि कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बट इनसाइडर ट्रेडिंग BSE की साइट के ऊपर है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में बात कर लेते हैं, तो दोस्तों प्रमोटर
का स्टेक इंटेक्ट है, कुछ चेंज नहीं आया है और FII इंक्रीज कर रहा है दोस्तों। स्टॉक लास्ट क्वार्टर से काफ़ी इंक्रीज हुआ है दोस्तों, यानी कि नीचे के लेवल पे बाई किया है। बट अगर पहला जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा था FII का, वहाँ से बहुत कम हो चुका है। और DII की बात करें तो उन्होंने भी पिछले कुछ क्वार्टर से वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। और पब्लिक के हाथ में जो पहले 9% का शेयर होल्डिंग था 2018 में, वहाँ से स्टॉक ने बहुत ही बड़ा ब्रेक आया और फिर यहाँ पे स्लोली स्लोली पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग है वो कम हो रही है दोस्तों। और अदर्स जो है उनमें 3.68 का दोस्तों अभी आया है, वो जो है ट्रस्ट का है दोस्तों, प्रगति एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट है, उनमें 3.6% का दोस्तों उनका स्टेक है दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करते हैं L&T फाइनेंस होल्डिंग के ऊपर दोस्तों। L&T फाइनेंस होल्डिंग का अगर आप देखोगे 5 दिन में तो कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया दोस्तों, 90 के लेवल के आसपास से अभी 97 का लेवल है दोस्तों। और ये जो स्टॉक है L&T ग्रुप का स्टॉक है बट ओवर से बट दोस्तों चला नहीं है ये स्टॉक भी, जैसे NBFC सेक्टर में PNB हाउसिंग फाइनेंस भी नहीं चला था, इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी नहीं चला था और बहुत सारे L&T फाइनेंस है और बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो NBFC सेक्टर के चले नहीं है। उसका रीज़न ये था कि जो कोविड का जो इम्पैक्ट है वो फाइनेंस सेक्टर के ऊपर हुए हैं, NBFC के ऊपर हुए हैं, उसकी वजह से ये स्टॉक चले नहीं है दोस्तों। पहले हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं लेवल, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे चार्ट के ऊपर आपको पता है कि ये जो लेवल था तब मैंने बाय करने की कोशिश बोला था 85 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि रीज़न यही सिंपल था दोस्तों कि हम सपोर्ट लेवल के आसपास थे। क्यों सपोर्ट लेवल क्यों था, क्योंकि 2 वीक टच करने की कोशिश की वही लो पे, ये 3रा वीक था और ये 4था वीक था। और ये यही जो ये आप देखोगे पीछे भी इस लेवल को स्टॉक ने रिस्पेक्ट किया है दोस्तों, तो उसी की वजह से दोस्तों यही लेवल पे 2-3 रुपये के रिस्क के साथ हमने किया था और हमें 10 रुपये का रिवर्स मिल चुका है दोस्तों। अब रेजिस्टेंस लेवल है वो 110 रुपीज़ के आसपास है, क्योंकि वहाँ पे स्टॉक एक बार वापस आया था और आप देखोगे कि स्विंग के तरह ही चल रहा है, तो दोस्तों हमें स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ही इसमें अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए दोस्तों। अब ब्रोकरेज के क्या टारगेट है उसके ऊपर दोस्तों मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। तो आप देखेंगे कि जो ब्रोकरेज जो है वो काफ़ी बुलिश थे, शेरखान 118 का टारगेट दिया था बट वो भी अभी अचीव नहीं हुआ है, और JM फाइनेंशियल के टारगेट थे 110 दोस्तों, तो वो अचीव हो चुका है। बट दोस्तों अभी लंबे टारगेट बन सकते हैं इसमें, क्योंकि आप देखोगे इसको मैं चार्ट को जूम करता हूँ तो उसका लाइफ टाइम हाई बहुत ही अपर सर्किट अपर लेवल पे है 200 है, वहाँ से तो स्टॉक आधा ही चल रहा है। उसके पीछे के रीज़न वही है कि कोविड का जब तक सॉल्यूशन नहीं आता है तब तक फाइनेंस सेक्टर थोड़ा स्ट्रेस में रहेगा दोस्तों, और ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो दोस्तों जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और आप फ्री में 10 मिनट्स में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करें और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही ओपन करें।